हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस इन द फॉलोइंग। इसमें से हमें बताना है कि जो स्टेबिलिटी है कार्बन आयन की उनका क्या ऑर्डर है। ठीक है, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, तो अब हमें एक चीज ये पता है कि जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिपेंड्स ऑन एस कैरेक्टर। ठीक है, एस कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है, एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास और एक हमारे पास और क्या चीज है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है वो हमारी क्या होगी, यहाँ से डिक्रीज होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो हमारी जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। हमें क्या गिवन है, आरसी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव। सबसे पहला ऑप्शन है आरसी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव। तो हम इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या है इसका एस कैरेक्टर। ये क्या है, एसपी कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या एसपी कार्बन है। ठीक है, तो एस कैरेक्टर क्या हुआ, 50% हो गया इसका। ठीक है, अगर हम बी देखें, हमारा बी हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग। ठीक है, जो हम यहाँ पे बेंजीन रिंग बना रहे हैं विद अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है क्या है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसकी, ये क्या हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। और sp2 वाले का एस करेक्टर कितना आएगा, 33.3%। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सी देखते हैं। हमारा हमारा सी है वो हमारा क्या है, R2C डबल बोन CH नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, R2C डबल बोन CH नेगेटिव। तो जो हमारे पास ये वाला कार्बन है ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। इसका भी एस करेक्टर क्या होगा, 33.3%। तो हमारा डी आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, R3C सिंगल बोन CH2, R3C सिंगल बोन CH2 नेगेटिव। तो ये जो कार्बन है हमारे पास, इसमें इसका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 कार्बन है। और यहाँ से इसका क्या आया, 25% आ गया एस करेक्टर। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया, अगर एस करेक्टर के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा सबसे ज्यादा किसका हुआ, सबसे ज्यादा हमारा फर्स्ट का हुआ। ठीक है, हमारा सबसे ज्यादा फर्स्ट का एस करेक्टर है, सबसे ज्यादा क्या हुआ, सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेबल होगा। ठीक है, और सबसे कम कौन सा स्टेबल होगा, डी। सबसे कम कौन सा स्टेबल होगा, डी हमारा पता फोर्थ। अब हमें सेकंड बी और सी पे देखने जिसका सेम करेक्टर है। अब हम बी में देख रहे हैं, यहाँ पे बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो जो हमारा ये R2 ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जिस वजह से क्या होगा, इसका जो एस करेक्टर होगा वो और कम हो जाएगा, लीस्ट एस करेक्टर। ठीक है, देन बेंजीन रिंग, देन सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा किसका हो गया, फिर फर्स्ट के बाद सेकंड, देन थर्ड, और सबसे कम किसका हो गया, फोर्थ का हो गया। तो हमारा क्या आ गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया यहाँ से, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस में अवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, मोर सबसे मोर स्टेबल इज फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।